नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। कई देशों में एक बार फिर कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार धीमी है, लेकिन दूसरे देशों में कोरोना फिर से अपना फन उठा रही है। फ्रांस में कोरोना वायरस की पांचवी लहर की शुरुआत की खबरें आ रही हैं और देश के स्वास्थ्य मंत्री ने चेतावनी भी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री ओलिवर वेरन ने कहा है कि इस ताज़ा लहर में कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ओलिवर ने कहा है कि कई पड़ोसी देशों में कोरोना की पांचवी लहर फैल गई है, लेकिन हम जो अनुभव कर रहे हैं वह स्पष्ट रूप से पांचवी लहर की शुरुआत है। फ्रांसीसी मंत्री के इस ऐलान से उन उम्मीदों को गहरा झटका लगा है जिसमें कहा जा रहा था कि कोरोना अब खात्मे की ओर है। इससे पहले राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी कहा था कि देश में एक बार फिर कोविड के मामलों में उछाल देखने को मिल सकता है। इस हफ्ते की शुरुआत में मैक्रों ने कहा था कि 65 साल और इससे अधिक उम्र के लोगों को ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इन्हें रेस्तरा जाने, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने या ट्रेन पकड़ने से पहले कोविड 19 की बूस्टर डोज लगाए जाने का सबूत दिखाना होगा। और अब एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्री ने चेतावनी दे दी है। उधर जर्मनी में भी कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है और पिछले 24 घंटे में 50,000 नए मामले सामने आए हैं। कुल मिलाकर देखें तो कोरोना वायरस के वैश्विक मामले बढ़कर 25,13,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक 50,07,000 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 7.34 अरब से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।